झुंझा आतंकी हमले को लेकर जांच में जुटी एनआईए की टीम, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कई संदिग्ध। पुंछ के आसपास के गांव में चलाया जा रहा सर्च अभियान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन। हमले में लश्कर के मिले फुटप्रिंट्स, सूत्रों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के रास्ते आतंकियों की पीओके से घुसपैठ की आशंका। सूत्रों के मुताबिक G20 सम्मेलन को लेकर सनसनी पैदा करना आतंकियों का मकसद है। राजौरी में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ग्राउंड वर्कर्स की मदद से सेना पर हमला। पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि, पंजाब के सीएम मान का ऐलान। ऋषिकेश से शुरू हुई चारधाम यात्रा, गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। चारधाम की यात्रा के लिए रवाना हो रहे श्रद्धालुओं से मिले सीएम, धाम में पवित्र यात्रा की शुभकामनाएं दी। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान, हर धाम पर श्रद्धालुओं पर की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना बाबा केदार की डोली, केदारनाथ तक श्रद्धालु लगाएंगे बाबा के जयकारे। बाईस अप्रैल को खुल रहे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के खुल जाएंगे कपाट। आज मनाया जा रहा सिविल सेवा दिवस, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। सिविल सेवा अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया, देश की उन्नति में बेहतर योगदान के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने अधिकारियों को किया एड्रेस, कहा हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। पीएम ने कहा हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई चढ़नी है और इरादे आसमान से भी ऊंचे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, सूडान में फंसे भारतीयों की मदद पर मंथन, विदेश मंत्री और आला अधिकारी मौजूद। दिल्ली में आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा सम्मेलन में शामिल। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, नेशनल प्लेयर्स को अब 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000 रुपए, ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फैसला। कल देशभर में रहेगी अक्षय तृतीया की रौनक, इस दिन खरीदारी से लेकर किए जाते हैं कई शुभ कार्य। मराठा आरक्षण पर समीक्षा याचिका खारिज होने पर बोले सीएम शिंदे, का महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक में बारिश के चलते गृहमंत्री अमित शाह की रैली स्थगित, रोड शो के इंतजार पर खड़ी दिखी जनता। कर्नाटक के देवनहल्ली में रोड शो को लेकर की गई भव्य तैयारी, कर्नाटक के पारंपरिक नृत्य और ड्रम को बजाते दिखे कलाकार। आज और कल देवनहल्ली और दावणगेरे में शाह का तय था रोड शो, बेंगलुरु में होनी है बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक। कर्नाटक के बीदर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, श्री रामकृष्ण आश्रम में की पूजा अर्चना। कर्नाटक के बीदर में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का काम किया। राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन के अपने सरकारी बंगले से शिफ्टिंग शुरू की, घर के बाहर लिखा दिखाई दिया ट्रक। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को मिला था बंगला खाली करने का नोटिस, 2019 में दिए गए बयान के बाद ली गई थी संसद की सदस्यता। शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर का वीडियो सामने आया है, 2020 में अतीक के घर पर बुलडोजर एक्शन के वक्त मौजूद था साबिर। बेटे असद और शूटर साबिर के साथ वीडियो में नजर आई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, वीडियो में असद के कहने पर घर से सामान निकालता साफ दिख रहा है शूटर साबिर। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, अफशा अंसारी पर घोषित है 50,000 का इनाम।
छपरा में इंडियन आइडल के रनर अप शिवम सिंह पहुंचे अपने पैतृक घर, कहा घर से मिला संगीत का माहौल। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने उनके व्यापार में कई तरह की मदद के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आईसीटी हरियाणा का हुआ लॉन्चिंग कार्यक्रम। जमशेदपुर के बाजारों में बढ़ी सेवई की मांग, यूपी की बनी सेवई के अलावा सबसे ज्यादा सऊदी की सेवई की मांग। बिहार के आबकारी विभाग को मिली पहली डर्ट व्हीकल, छपरा में अवैध शराब की भट्टियां तलाशने में इन गाड़ियों का किया गया ट्रायल। चंद्रपुर में भीषण गर्मी का जानवरों पर पड़ रहा असर, चिड़ियाघर में बाथ टब में खेलते नजर आए बाघ के शावक। मुजफ्फरनगर में रिजर्व पुलिस लाइन को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र, पुलिस लाइन में मौजूद है जरूरत की तमाम सुविधाएं। हमीरपुर में सरकारी स्कूल के छात्र ने बनाया सोलर लंच बॉक्स, राज्य स्तरीय साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट प्रदर्शनी में मॉडल का चयन। नोएडा में संसद खेलो इंडिया स्पर्धा का आयोजन किया गया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा इससे नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। हमीरपुर में हेलमेट पहनकर कार चलाने को मजबूर हुआ एक युवक, हेलमेट न पहनने पर पुलिस ने कार वाले का कर दिया था चालान। पाली में रिहायशी इलाके में एक घर की छत पर मिला कई फीट लंबा सांप, सांप पकड़ने वाले युवक ने सांप को रेस्क्यू किया। अगरतला में सीएम माणिक साह ने मीडिया हाउस का किया शुभारंभ, लोगों को एड्रेस किया। गुवाहाटी में चार दिवसीय रंगाली उत्सव की धूम, पारंपरिक परिधानों की लगी प्रदर्शनी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, लाभार्थियों को बांटी सम्मान राशि। रोहतक में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है शाहपीर का मकबरा, हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं शाहपीर की पूजा। अब हाईटेक होगी खेती, किसानों की फसल में ड्रोन से होगा कीटनाशक का छिड़काव। अमरावती पहुंचे सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा की। पानीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, किसानों के लिए फसल की सिंचाई के लिए परियोजना की रखी आधारशिला। मुंबई के चिड़ियाघर में प्रशासन का सराहनीय काम, गर्मी से बेजुबानों को बचाने के लिए खास इंतजाम। विजयवाड़ा पहुंचे आंध्र प्रदेश के मंत्री रामचंद्र रेड्डी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ। बारामूला में सेना के जवान बने देवदूत, आग में फंसे लोगों की जान बचाई। रामपुर में देखी ईद की रौनक, ईद पर्व के चलते बढ़ी सेवई की बिक्री। चंडीगढ़ में गली क्रिकेट का आयोजन किया गया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजों और वकीलों के बीच हुआ मुकाबला। जयपुर में सिविल सर्विस डे पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। चेन्नई में साउथ इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया गया है। गांधरबल के अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी वसीम शाह की शानदार पहल, बच्चों को दे रहे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे श्रीलंका के मंत्री थिरु रंजीता, बालाजी मंदिर में की पूजा। कुर्नूल के खेत में मिला मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मदुरै में चिथिराई उत्सव की रौनक, मंदिर में बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। घाटी में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, युवाओं को दिया जा रहा कौशल प्रशिक्षण। भुवनेश्वर में ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, सीएम नवीन पटनायक ने किया शुभारंभ। मुंबई में शहरी विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की।
शिलांग में धर्मगुरु दलाई लामा के समर्थन में प्रार्थना सभा का आयोजन, बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। मुंबई में फिल्म किसी का भाई किसी की जान की स्पेशल स्क्रीनिंग, कई फिल्मी सितारे दिखाई दिए। जम्मू में मतदान को लेकर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, 22 टीमों का गठन। कोयंबटूर में रमजान के आखिरी रोजा के लिए विशेष इंतजाम, मस्जिद में अदा की गई नमाज। उदयपुर भव्य वाटर लेजर शो का आयोजन किया गया, महावीरों की वीर गाथाओं से लोगों को करवाया रूबरू। जिस समय उनकी गर्दन संभाली उस समय। उदयपुर के लेजर वाटर शो में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। भुवनेश्वर में नवीन पटनायक ने मधुस्मिता जैना से मुलाकात की, संबलपुरी हस्तकरघा को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने की मधुस्मिता की सराहना। अलीगढ़ में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, इफ्तार पार्टी में मिलेट सनाज का इस्तेमाल हुआ। मुंगेर में नगर निगम की शानदार पहल, गर्मी को देखते हुए लगाए गए यात्री शेड और ठंडे पानी का इंतजाम। केदारनाथ में हुई बर्फबारी से गुलजार हुआ मौसम, 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। यमुनोत्री धाम में भी सामने आया दिलकश नजारा, चारों तरफ दिखी बर्फ। कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी, 3 से 4 इंच तक जमी बर्फ। लाहौल स्पीति घाटी में केलांग और राशिल गांव में भरी हुई बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से बढ़ी घाटी की खूबसूरती। चमोली में फिर से भारी बर्फबारी, घाटी में वापस पड़ने लगी जबरदस्त ठंड। आरबीआई की एमपीसी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों में 2.5% की बढ़ोतरी को काफी बताया है। एचसीएल ने 2023-24 के लिए 6.8% की कमजोर गाइडेंस जारी की है, इंफोसिस के बाद एचसीएल की कमजोर गाइडेंस ने आईटी सेक्टर में जारी सुस्ती पर लगाई मोहर। अर्थ डे से पहले जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हीटवेव के बढ़ते खतरे से घट सकती है भारत की विकास दर। ट्विटर ने टाटा से लेकर अडानी समेत सभी मशहूर हस्तियों के फ्री लेगेसी ब्लू टिक हटा दिए हैं, अब केवल ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन वालों के पास बचे हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट उड़ने के कुछ मिनट बाद ही फेल हो गया, गुरुवार को ही मस्क की नेटवर्थ भी 12.6 अरब डॉलर कम होकर 164 अरब डॉलर रह गई। अक्षय तृतीया के मौके पर ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ने मेकिंग चार्ज पर छूट समेत कई ऑफर्स का ऐलान किया है। अक्षय तृतीया पर गोल्ड की बिक्री में 20% गिरावट की आशंका, 60,000 प्रति 10 ग्राम के ऊंचे भाव पर पहुंचने से ग्राहक गोल्ड की खरीदारी को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं। स्टॉक मार्केट में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए ज्यादा स्वायत्तता के पक्ष में सेबी, इसके लिए 3 दशक पुराने सेबी एक्ट में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय से चर्चा। तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की रिकॉर्ड मांग के मद्देनजर सरकार ने की तैयारी, थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा। वाटर सैनिटेशन प्लंबिंग का सबसे बड़ा एग्जीबिशन प्लंबेक्स इंडिया 2023 में बंगलुरु में आयोजित किया गया है। आईपीएल मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होगा, शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 25 अप्रैल को औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। थाईलैंड में अगले महीने होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा इलेक्शन कैंपेन के दौरान फुटबॉल खेलते देखे गए। नेटो के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में जेलेंस्की से जंग के ताजा हालात पर बातचीत की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैक्सिको के सांसदों को एड्रेस किया।